डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच आर मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लिक इन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल एंड आर एसिडिक इन नेचर, सो वी कॉल देम न्यूक्लिक एसिड। यानी ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेनली, और दूसरी चीज़ ये एसिडिक इन नेचर हैं, तो इस कारण से इनको हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। डिस्कवरी की जहाँ तक बात है, तो न्यूक्लिक एसिड्स वर डिस्कवर्ड बाई फ्रेडरिक मिस्चर इन दी पस सेल्स एंड ही गेव द नेम न्यूक्लिन। न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं रखा था उसने, फ्रेडरिक मिस्चर ने पस सेल्स में से इनको डिस्कवर किया और जो नाम रखा वो था न्यूक्लिन। अल्टीमेटली ऑल्टमैन ने नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड बिकॉज ही सॉ देम इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड ही ऑब्जर्व दैट दीज सब्सटेंसेज आर एसिडिक इन नेचर। इस कारण से उसने नाम क्या दिया इनको, न्यूक्लिक एसिड। तो डिस्कवरी फ्रेडरिक मिस्चर ने की और जो नाम दिया न्यूक्लिक एसिड वो अल्टमैन ने दिया। नेक्स्ट है कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं क्या, तो दीज आर दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दीज आर दी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, कि जब एक शुगर का मॉलिक्यूल, पेंटो शुगर का मॉलिक्यूल, एक फास्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेंटो शुगर दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब ये डीएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज करते हैं तो उनसे उनके आपस में यूनियन होती है या आपस में वो जुड़ते हैं विद दी हेल्प ऑफ बॉन्ड, जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स। तो जब वेरियस काइंड के फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स, यानी फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स की हेल्प से जब वेरियस काइंड के डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक करते हैं तो बनने वाले पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, डीएनए, यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिमिलरली व्हेन लार्ज नंबर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी आरएनए वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जब वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के जरिए जुड़ते हैं तो बनने वाले न्यूक्लिक एसिड को आरएनए बोलेंगे, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। अब सबसे पहले मैं डीएनए की बात करने लगा हूं। डीएनए जो है, विच इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज मेनली प्रेजेंट इन ऑल दी ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट सर्टेन वायरसेस। कुछ वायरसेस को छोड़ के डीएनए सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है एज जेनेटिक मटेरियल। और उन वायरसेस को हम क्या बोलते हैं जिनमें डीएनए नहीं होता, दे आर कॉल्ड एज राइबोवायरा। राइबो वायरा, वायरस का प्लूरल वायरा। यानी वो आरएनए वायरसेस, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल, तो उन्हें हम राइबोवायरा बोलते हैं। जैसे टीएमबी है, टोबैको मोजाइक वायरस, जिसमें आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसे वायरसेस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है एज जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो हो गई इसकी प्रेजेंस की बात। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल।
वेयर एज इन केस ऑफ प्रोक्रियोट्स, प्रोक्रियोट्स में कोई डेफिनेट न्यूक्लियस होता नहीं, इसलिए वहां सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल जो है साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है विच एक्ट्स एज जेनेटिक मटीरियल। लेकिन जो यूक्रियोटिक सेल्स में डीएनए होता है उसको हम लीनियर डीएनए बोलते हैं, और ये जो लीनियर डीएनए है इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर जो था वो एक्सप्लेन किया था वाटसन और क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट ने 1953 में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज विच वर कैरिड आउट बाई विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। विल्किन और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से जो डीएनए की स्ट्रक्चरल डिटेल्स कलेक्ट की थी उनको स्टडी करने के बाद वाटसन और क्रिक ने डीएनए का एक मॉडल दिया उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, विच वी कॉल एज हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। अब इस मॉडल के मुताबिक अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो देखो डीएनए जो है ये बेसिकली इसके अंदर जो फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात आती है कि डीएनए हैज टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स। डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या है, टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, दो चेन्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। कौन से न्यूक्लियोटाइड की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की टू चेन्स हैं। कितनी हैं, तो एन नंबर ऑफ यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड दीज आर टू इन नंबर। तो एक चेन है जो रन करती है फाइव ट्राइम एंड से थ्री ट्राइम एंड की तरफ और दूसरी रन करती है थ्री ट्राइम एंड टू फाइव ट्राइम एंड। यानी कहने का मतलब दीज टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन पैरेलल का मतलब क्या है कि एक जो है, अगर तो देखो ऐसे हो कोई चीज पैरेलल, दोनों के कैप एंड ऊपर हैं और ये टेल एंड नीचे हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये भी पैरेलल है कि एक का हेड एंड ऊपर की तरफ है तो दूसरे का हेड एंड नीचे की तरफ है, तो पैरेलल तो हैं दोनों चेन्स। वन रन्स फ्रॉम फाइव प्राइम एंड टू थ्री प्राइम एंड, वेयर एज द सेकंड वन रन्स फ्रॉम थ्री टू फाइव प्राइम एंड। यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये रन कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाई करती हैं और हेलिकली क्या है, क्वाइल्ड हैं अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के इर्द गिर्द हेलिकली क्वाइल्ड हैं। ठीक है, तो अभी तक जो बात हुई कि अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल डीएनए पोजेसेस टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स विच रन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रन करती हैं। कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर मतलब कि एक के ऊपर जो नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके ठीक सामने उसका कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू चारगफ, चारगफ एक साइंटिस्ट था जिसने कुछ बेस पेयरिंग रूल्स दिए थे, उसमें क्या था कि हमेशा एक चेन का साइटोसिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड सामने वाली चेन के गुआनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयर करेगा ड्यूरिंग द बेस पेयरिंग, ऐसे नहीं एडिनिन थायमिन के साथ एंड वाइस वर्सा, यानी गुआनिन साइटोसिन या साइटोसिन गुआनिन के साथ, एडिनिन थायमिन के साथ या थायमिन एडिनिन के साथ। फिर गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वेयर एज एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इन कुछ पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर
डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर इसके बाद अगली बात क्या आ गई कि डीएनए के एक स्पाइरल की लेंथ, स्पाइरल यहां से लेके इस पॉइंट से लेके ये जहां पे एक एस कंप्लीट हो गया, इट इज वन स्पाइरल, वन स्पाइरल, वन स्पाइरल ऑफ डीएनए जो है उसकी लेंथ होगी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। और अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये जो सिंगल स्पाइरल ऑफ डीएनए होगा जिसकी लेंथ 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होंगे। जैसे ये एक पेयर, ये सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेन, यानी इस सारे एरिया में यहां से लेके यहां तक कुल मिला के 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजस्टेंट न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये फिक्स्ड होगा और ये होगा 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। टोटल एक स्पाइरल की लेंथ है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स हैं और एडजस्टेंट पेयर्स के बीच में डिस्टेंस होगा 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों चेन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर हैं, हेलिकली क्वाइल्ड हैं, एट ए डिस्टेंस ऑफ, ऐसे टच नहीं करेंगे, एट ए डिस्टेंस ऑफ, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस जो है ये रहेगा 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस रहेगा इन बिटवीन द टू चेन्स विच आर हेलिकली क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर। तो ये कुछ फीचर्स जो थी वो डीएनए का जो मॉडल दिया वाटसन एंड क्रिक ने, उसके मुताबिक ये डिफरेंट फीचर्स हैं। अब इतने एक पोर्शन को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। बड़ा करके कैसे, कि इस पोर्शन को अगर हम यहां बना के देखेंगे तो देखें, ये मैंने यहां पे सिर्फ सी लिखा यानी साइटोसिन लिखा। बेसिकली ये अकेला नाइट्रोजन बेस नहीं है, यहां न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ये होगी डीऑक्सीराइबोज सीरीज की, डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसका ये फर्स्ट कार्बन एटम, यहां फर्स्ट कार्बन एटम के साथ क्या लगा है, नाइट्रोजन बेस, जैसे इस केस में साइटोसिन। सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ कार्बन एटम, फिफ्थ यहां होगा CH2OH जो यहां आता है फिफ्थ कार्बन एटम, तो उसके साथ क्या लगा है, फास्फेट ग्रुप, क्योंकि ये लास्ट जो कार्बन एटम है यहां कौन सा है शुगर का, फिफ्थ, इसलिए ये वाला एंड हो गया 5' एंड, जो लास्ट में प्रोजेक्ट कर रहा है कार्बन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिसाइड द एंड ऑफ द चेन, जो डीएनए स्ट्रैंड है या चेन है उसका कौन सा एंड होगा वो डिपेंड करता है कि लास्ट कार्बन एटम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये 5' एंड आ गया। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड है एडिनिन, अब ये पेंटो शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस एडिनिन यहां पे फर्स्ट कार्बन एटम के साथ और फिफ्थ के साथ यहां फिर फास्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन एटम, उसके शुगर के मॉलिक्यूल का नेक्स्ट के फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ेगा जो कि नेक्स्ट के फिफ्थ कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो बॉन्ड बना थर्ड कार्बन एटम एक का और नेक्स्ट वाले का फिफ्थ कार्बन एटम यहां और उनके बीच में ये फास्फेट ग्रुप, दिस बॉन्ड और दिस लिंकेज इज नोन एज फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड नेक्स्ट के साथ जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर सेकंड थर्ड के साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ऐसे ही सामने वाली चेन में अगर हम देखें तो क्योंकि वो एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है, तो उसमें क्या होगा, उसमें अपोजिट डायरेक्शन में शुगर मॉलिक्यूल, तो ये फर्स्ट कार्बन एटम साइटोसिन के साथ हमेशा गुआनिन वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये डिस्टेंस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट
सेकेंड थर्ड, यहां पे लास्ट कार्बन एटम जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है दैट इज थर्ड वन, इसलिए ये थ्री ट्राइमेंड हो गया। फिर ये फोर्थ और यहां फिफ्थ होगा, फिफ्थ के साथ फास्फेट ग्रुप, फिर ऐसे ही नेक्स्ट का। तो ये एक चेन और ये एक चेन, ये दो चेन एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, इसलिए हम एंटी पैरेलल बोल रहे हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर एंड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि कंप्लीमेंट्री बेसिस वाले न्यूक्लियोटाइड्स की पेयरिंग हो रही है। तो ये जो था ये कुल मिला के डीएनए का स्ट्रक्चर ये वाटसन और क्रिक ने दिया था, और ये जो मैंने बात की है कि मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स में जो है वो डीएनए एक्ट करता है एज जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट राइबोबायरा। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर की बात हुई। अब इसके बाद आरएनए के स्ट्रक्चर की हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे, लेकिन आरएनए के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आरएनए के स्ट्रक्चर में डबल चेन नहीं होगी, ऐसे आरएनए होगा पॉलीमर किसका, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स विच आर अरेंज्ड इन सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो जिसमें क्या होगी आरएनए के केस में एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी इनस्टेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, जैसा कि डीएनए में था उसमें दो चेन्स थी उसमें सिंगल चेन होगी। और आरएनए की फिर आगे डिफरेंट टाइप्स भी आएंगी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी हमने ये डीएनए का स्ट्रक्चर यहां तक किया है। थैंक यू वेरी मच।